ये देखिए गाइस, पहाड़ों में झरना कैसा है, ये सुनिए साउंड पानी का। गुड मॉर्निंग गाइस, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कल के वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ जो कुछ रह गया था। अब बताना चाह रहा हूँ कि कल मैं गया था चाइना रोड, यहाँ से मंथली से नेपाल मंथली से, तो उसी का कुछ जो रिकॉर्डिंग है वो सब मैं दिखा रहा हूँ। कुछ देर तो टेम्पो में चला, फिर कुछ देर बस में, और फिर उसके बाद पैदल 4 घंटे तक चलता रहा। पैदल चलने के बाद कैसा लगता है वो मैंने फील करने के लिए चला था, देखा था, और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो उसके बाद फिर आने टाइम में शाम जब होने लगी तो फिर मैं लिफ्ट ले लिया, और लिफ्ट से यहाँ तक, मतलब छोटी सी गाड़ी से यहाँ तक वापस आया घर तक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का आप देखिए, आनंद लीजिए, और फिर नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत रहेगा। पहले इस ब्लॉग को, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और ब्लॉग को देखिए पूरी तरह से कैसा लगता है। बस पार्क है, मंथली बस पार्क। गाइस अभी मैं आ गया हूँ खिमती में, मंथली से आगे है खिमती, और यही है खिमती जो अभी मैं घूम रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए कितना साफ पानी नाले से। पहाड़ों में ऐसे चलने से हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी पैदल भी चलना चाहिए, हार्ट प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। ये देखिए लोग पीठ पर बुक करके ले जा रहे हैं पहाड़ों का लाइफ स्टाइल। जितने कदम बढ़ेंगे उतने हार्ट मजबूत होंगे। देखिए कैसे पहाड़ों में पानी गिर रहा है ऊपर से, ये नेचुरल है, इसमें कोई बोरिंग मोटर कुछ नहीं लगाया हुआ है, ये ऊपर से आ रहा है। इधर मंदिर है, इधर पानी आ रहा है, खिमती पुल। ये देखिए खोला, ये देखिए पानी कैसे जा, पत्थर वाले पहाड़ों पर पानी कैसे गिर रहा है नीचे। ये देखिए गाइस, पहाड़ों में झरना कैसा है। अभी हम आ गए हैं झरने के पास, ये देखिए क्या मस्त झरना है। ये देखिए कितना अच्छा है, आप नेचुरल पानी यहाँ पर मिल सकता है और मिलता है, ये पीने वाला पानी है। तो गाइस ये देखिए अमेजिंग साउंड यहाँ का, इस नदी का कितना अच्छा साउंड आ रहा है। आगे पुल है और ये रोड खाली खाली है, और ये इधर पानी नीचे बह रहा है।
देखिए नेचुरल पानी दिख रहा है, ये नदी पानी, पानी का साउंड, नदी का साउंड कितना मस्त है। और अब मैं चल रहा हूं जंगल पहाड़ों में, सुनसान जंगल में अकेले। मैं जाऊंगा ऐसे इस रास्ते से, कोई कितना मस्त नजारा है, जितना भी फोटो वीडियो बनाऊं कम ही लगता है इस पहाड़ों का। पानी का साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा, जूम करके दिखा रहा हूं। ये देखिए चट्टानों वाली पहाड़ ऊपर तक, और इसी रास्ते से हम जा रहे हैं। अकेला हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। ये देखिए अकेला, आगे मंदिर है, देखिए रोड पे बना हुआ मंदिर। ये मैं बहुत दिनों से देखना चाह रहा था नजदीक से, मतलब घर भी है, रहते भी हैं रोड के किनारे, पहाड़ों में, चट्टानों में। बरगद के पेड़ के नीचे घर। ये सुनिए साउंड पानी का, नदी में जो पानी चल रही है उसकी साउंड सुनिए। ये हेलीपैड, और ये देखिए झूलने पुल, झूलने वाला पुल, जाली वाला, मतलब क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नेपाली में झूलने पुल बोलते हैं इसको, जो दिख रहा है ये लैंडस्लाइड। देखिए पहाड़ों का झरना, भूस्खलन, मस्त नजारा देख लो। फिल्म जैसे नजारा। किरने बाजार, ये देखिए किरने, पहाड़ों का घर। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा घर बनाया हुआ है। और इधर पहाड़ों का झरना, ये देखिए कितना अच्छा रोड है इधर, देखिए। और आदमी एक भी नहीं है, ऊपर पहाड़ तक घर है, ऊपर तक, नीचे नदी, ऊपर पहाड़, घना जंगल। और ये देखिए पहाड़ कितना मस्त है नजारा। अभी मैं हूँ इधर पहाड़, तो ये देखिए अभी मैं हूँ पहाड़ के जंगलों में, कितना मस्त नजारा है, कितना मस्त नजारा है यहाँ पर। ये देखो मस्त है एकदम। तो गाइस सुबह 10 बजे से चल रहा हूँ, और अभी 2 बजने वाला है, और पैदल ही पैदल चल रहा हूँ। चलते चलते पैर में आज दर्द नहीं हुआ है, कल पता चलेगा कितना दर्द होता है। ऐसे ये देखिए कितना मस्त नजारा है, लेकिन दर्द का महसूस आज बिल्कुल नहीं हुआ, पता है। ये देखिए हलवा वेद, पहाड़ों में कितना फैला हुआ है, ऊपर है।
और पहाड़ों का ये किस तरह से पेड़ पर धान के जो होता है पराल रखे हुआ है। खेती, गोभी का खेती देखिए, गोभी और तोरी इधर, और इधर जंगल है, जंगल पहाड़ बांस, पहाड़ी बांस देखिए, पहाड़ी बांस, और इधर ये तोरी रोड, तोरी उधर घर, और उसके पीछे नदी।